तो केम छो मित्रों, मैं हूं कल्पित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जींस पैंट वर्सेस फॉर्मल पैंट के बारे में। किस पैंट को कब कहाँ और कैसे पहनना है, क्योंकि अगर आपने गलत जगह पर गलत पैंट को पहन लिया तो आप एक अंकल जैसे दिखोगे। अगर आपको एक अंकल जैसा नहीं दिखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस चैनल पर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा 2 मिनट संडे, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर फैशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपकी स्टाइल इंप्रूव हो। तो ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड। तो 2 मिनट के टाइमर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि फॉर्मल पैंट और जीन्स पैंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। जीन्स एक मटेरियल का नाम है जिसके बने पैंट को हम जीन्स पैंट बोलते हैं, जबकि फॉर्मल पैंट कॉटन, लिनन, सिल्क, वेलवेट, खादी जैसे बहुत सारे अलग अलग मटेरियलों के बने होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों पैंट को आप कब और कहाँ पहन सकते हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो भी फॉर्मल ओकेशन या फिर फॉर्मल इवेंट्स होती है वहाँ पे आपको फॉर्मल पैंट पहनना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि फॉर्मल ओकेशन और फॉर्मल इवेंट किसे कहते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो इवेंट रखी जाती है उसे कहते हैं फॉर्मल इवेंट। जैसे कि शादी हो गई, वेडिंग सेरेमनी हो गई, सगाई हो गई, बिजनेस मीटिंग्स हो गई, इंटरव्यू हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको कंपलसरी फॉर्मल पैंट पहनना ही होगा। यहाँ पे आप जींस पैंट पहनकर नहीं जा सकते। जींस पैंट जो होता है वो कैजुअल लुक में आता है, इसीलिए इसे हमेशा इनफॉर्मल ओकेशंस पे ही पहना जाता है। इनफॉर्मल ओकेशंस में आता है घूमना फिरना, डिनर पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, दोस्तों के साथ हैंग आउट, जैसे रैंडम चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए नहीं की जाती। तो अब बात करते हैं कि जींस पैंट और फॉर्मल पैंट को हम कैसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं कि किसके साथ हम फॉर्मल पैंट को पहन सकते हैं। फॉर्मल पैंट को हम प्लेन शर्ट के साथ, सूट के साथ, ब्लेजर के साथ और फॉर्मल शूज के साथ पहन सकते हैं। अब फॉर्मल पैंट को किसके साथ नहीं पहनना चाहिए। फॉर्मल पैंट को आप कभी भी स्पोर्ट्स शूज़ के साथ नहीं पहन सकते। इसके अलावा आपको चेक्स वाले शर्ट और टी शर्ट के साथ भी नहीं पहनना चाहिए। अब आता है जींस पैंट। जींस पैंट को आप शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ, स्पोर्ट्स शूज़ के साथ और स्नीकर्स के साथ पहन सकते हो। और किसके साथ नहीं पहनना चाहिए, फॉर्मल शूज़ के साथ नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो मुझे नीचे कमेंट बताओ कि आपने क्या सीखा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।